हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स में दोस्त, यह है तीसरा चैप्टर। हमने आपको दो चैप्टर तक पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया। तीसरे चैप्टर के भी बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कराए। तीसरे चैप्टर का मतलब मोमेंट या फिर घूर्ण, ये आपका तीसरा चैप्टर का नेम है। आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे लीवर। देखिए, लीवर का मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ये क्वेश्चन ये लीवर से आते हैं, अर्थात कितने टाइप्स के लीवर होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल कंपाउंड जो दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेशन फिगर के साथ पूछे जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इसके सभी पॉइंट्स आज ही क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा बहुत ज्यादा इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, लीवर में आज हम आपको जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डिटेल्स में हमने पूरे पॉइंट्स को क्लियर किया, अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होता है, लीवर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, लीवर के लिए यहां पर आपको हम बात करेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे, आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत से मैकेनिक्स के वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखिए। और आपको लगातार वीडियो इसी तरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए करना कुछ नहीं दोस्त, आपको सिंपल हमारे चैनल का नेम जिस प्रकार करंट स्टडी है, तो ध्यान रहे इतना कि करंट स्टडी जब आप सर्च करें तो टेलीग्राम पर जब आप सर्च करें तो स्टडी, करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल आपको स्पेस नहीं रखना है, टी के बाद जस्ट यस लिखना है। दोनों को एक साथ सर्च करेंगे आप हमारे इस चैनल को प्राप्त कर सकेंगे, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपको रेगुलर मिल सके अप्लाइड मैकेनिक्स की। हो सकता है कोई आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा ना मिल पाए, तो इसके लिए कोशिश करें कि टेलीग्राम ज्वाइन करें। क्योंकि अब आपको यहां पर अप्लाइड फिजिक्स में कंप्लीट करा चुका हूं, जो भी टॉपिक्स हैं पिछले के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से टॉपिक्स अभी पीछे हैं, वो आने वाले में समय में कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि आपके सभी के लगातार यही कमेंट थे कि अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो लाई जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस रेगुलरिटी के साथ, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके दोस्त। और आप हमसे कुछ कमेंट या क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आपको हम फेसबुक पेज का, हमारे ऑफिशियल पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन करके आप हमसे। तो डिफिनीशन की बात करेंगे तो कहते हैं कि लीवर में कि कोई लीवर एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार क्षण है जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, ठीक है। और इनका कहना है कि लीवर का प्रयोग कोई बल या प्रयास लगाकर किसी बोझ या प्रतिरोध को सराहने में किया जाता है। आप समझिएगा दोस्त, होता क्या है दोस्त, यहां पर जैसे हैंडपंप की हत्थी या सरौता एग्जांपल के तौर पर है, हमारी बात को समझिएगा, अपने शब्दों में इसको समझिएगा, कैसे आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं लीवर। तो कह सकते हैं दोस्त कि एक दृढ़ या सीधी या वक्राकार क्षण जो एक स्थिर बिंदु पर घूम तो सकती है, लेकिन क्या है दोस्त कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें क्या है कि आप बल या प्रयास लगाकर किसी भार को, यहां पर जो बोझ दिया गया है या प्रतिरोध, किसी भार को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, वो क्षण जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लीवर। अर्थात लीवर में दोस्त आपके तीन फैक्टर यहां पर कार्य करेंगे, बल या प्रयास, और उसमें एक आलंब होता है और एक उसका क्या होता है, भार। तो ये तीनों फैक्टर जिस क्षण में कार्य करेगा वो आपका लीवर कहलाता है। देखिए, अब आपको धीरे धीरे आगे चलेंगे तो सभी पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, अभी धीरे से आप बने रहें। बात यहां पर दोस्त हैंडपंप की हत्थी और सरौता, ये सभी आपके अलग अलग क्लास के हैं, तो आपको अलग अलग मैं बताऊंगा। देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि पहले कि लीवर सिद्धांत क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये कहता है, प्रिंसिपल जो है इसका लीवर का, कहता है कि आलंब पर प्रदक्षिण घूर्ण इक्वल टू आलंब पर प्रवाह घूर्ण। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि जो आपका सपोर्ट है, जिसके माध्यम से, जिस सपोर्ट के माध्यम से वो क्या होगा, जो आपकी क्षण होगी, लीवर होगी, वो रुकती है। तो आलंब पर प्रदक्षिण घूर्ण मतलब वो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये आपका जो है आलंब पर अर्थात सपोर्ट पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका घूर्ण का सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल आप ये दोस्त लीवर जो होता है ये कहता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, सपोर्ट अर्थात सपोर्ट पर जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आपका क्या होगा, तभी ये प्रिंसिपल लागू होगा। अब देखिए, यहां पर आपको हम बताते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज को, इसको ध्यान से, मैं एक फार्मूले को अभी बता देते हैं, उसके बाद आपको डिटेल्स में मैकेनिकल एडवांटेज बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक लाभ, ठीक है, यांत्रिक लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त यहां पर आप समझ सकते हैं, प्रयास भुजा बटे भार भुजा दिया गया है, और नीचे आप देखेंगे भार बटे प्रयास दिया गया है, दोनों अलग अलग यहां बातें की गई। पहले एक आप समझ लीजिए, जैसे भार बटा प्रयास है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप समझिए बात को, कि आपने किसी कार्य को करने के लिए जो प्रयास किया, ठीक है, किसी भार में आपने जो कार्य किया,
उसको उठाने में या फिर आगे ले जाने में, तो जितना आपने वहां पर प्रयास लगाया वो आपका पी है, और जो जिस चीज को ले जाने में या उठाने में आपने किया उसका भार डब्ल्यू है। तो ये आपका जो डब्ल्यू अपान पी होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अभी मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है फार्मूला भार बटे प्रयास होता है। आपने जो प्रयास किया और भार आपका ये है, जो आप उस बॉडी को जितना उसका वेट है उस चीज को यहां पर भार कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल समझिए, किसी लीवर की प्रयास भुजा और भार भुजा का अनुपात लीवर का यांत्रिक लाभ कहलाता है। आपको ये दोनों डिफिनेशन आपको मैं आपको बताता हूं भी डिटेल्स में। पहले यहां पर आपको पहले ये समझना जरूरी है कि जो आपका लीवर होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले क्लासेस आप लीवर की बात करेंगे, तो पहला आपका आता है सिंपल लीवर। तो यहां पर किसी लीवर का प्रयास, आप ध्यान से देखिएगा, किसी लीवर का प्रयास भार आलंब की स्थितियों के आधार पर इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। अब इनके तीन श्रेणी है, फर्स्ट क्लास जो कहता है अर्थात प्रथम श्रेणी के लीवर, ये क्या होता है कि इस प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब एफ और प्रयास पी तथा डब्ल्यू के मध्य स्थित होते हैं। इससे कैंची एग्जाम्पल है, जैसे सीसा झूला है, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा। जैसे दोस्त अब हमारी बातों को सुनिएगा, जैसे आपका कैंची है दोस्त, हम चलते हैं आपको बताते हैं। देखिए ये आपका क्या है दोस्त, यहाँ पर ये कैंची है, ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पर हमने लिया। ये कैंची जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इफर्ट अर्थात अपना फोर्स लगाएंगे इस साइड में, जहाँ पर आप कैंची को पकड़ते हैं। इस साइड में आपने क्या लगाया, एफ इफर्ट आपने या पी इफर्ट आपने, फोर्स आपने लगा दिया। बीच में ये जो आप पिन जहाँ पर लगी रहती है, इसको क्या कहेगा, ये आपका आलंब होगा, इसी के माध्यम से ये कार्य कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, आलम। और लास्ट में जो आप जिस चीज को काट रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप कपड़े को अगर उस कैंची के माध्यम से काट रहे हैं, तो जहां पर आपका ये कट हो रहा है, ये क्या हुआ, यहां पर वर्क हो रहा है, अर्थात वो क्या है, वर्क का मतलब यहां पर जिस डब्ल्यू को आप कार्य कर रहे हैं, जो भार है वो चीज होगा। तो इधर आपने क्या किया, इधर आपने इफर्ट आपने एक साइड किया, बीच में आलंब हुआ, और साइड में क्या हुआ, यहां पर आपका वेट हुआ। तो ये क्या कहता है, आपने समझा दोस्त कि बीच में आपका आ रहा है आलंब। तो वही चीज यहां पर कहा गया कि प्रथम श्रेणी के लीवर में, प्रथम श्रेणी के लीवर में जो आलंब होता है, आलंब जो आपका क्या है एफ, ये प्रयास पी और डब्ल्यू के मध्य होता है। अर्थात आपका जो प्रयास, एक साइड आप प्रयास लगाएंगे और एक साइड आपका भार डब्ल्यू होगा, ठीक है। इधर आपका क्या है, प्रयास पी है, इधर आपका है, बीच में आपका F होता है, F का मतलब यहां पर आलंब है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका फोर्स जो आपका आलंब जो होता है वो बीच में होता है, और P और W आपके मतलब दोनों बगल होते हैं। आप इधर से P लगाएंगे, ठीक है, और इधर आपका बीच में आलंब होगा और साइड में आपका वेट होगा। तो वो जो कंडीशन होगी वो आपके फर्स्ट क्लास की लीवर होगी। एग्जांपल के तौर पर आप दो तीन याद कर सकते हैं, या एक आप कैंची याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इसी तौर पर मैं और भी एग्जांपल्स बताने वाला हूं। तो यहां पर आप ये झूला भी देख सकते हैं दोस्त, ये झूले में ये आप देख सकते हैं, यहां पर एक क्या होगा, एक एक मतलब जब एक प्रयास करेगा, एक क्या करेगा बंदा, जब यहां पर नीचे की ओर जाएगा तो एक प्रयास होगा, ये आपका क्या होगा, ये मान लीजिए भार है, उस कंडीशन में क्या हुआ डब्ल्यू है, ये आपका क्या हुआ पी, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या हुआ आलंब, अर्थात यहां पर जो पिन के माध्यम से ये दर्शाया गया, जिसके माध्यम से आलंब का मतलब क्या हुआ दोस्त, सपोर्ट। सपोर्ट कौन कर रहा है, ये बीच वाला आप देख रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि ये दो बच्चों का आप कह सकते हैं, ये शीशा कह सकते हैं या झूला कह सकते हैं, और ये एग्जांपल के तौर पर कैंची को आप एग्जांपल के तौर पर याद रख सकते हैं कि ये आपकी फर्स्ट क्लास की होती है। एक और आप यहां पर नोट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास जो होता है प्रथम श्रेणी के जो आपके लीवर होते हैं, इनका यांत्रिक लाभ, इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज, इनकी क्या होती है, इकाई से कम, इकाई या इकाई से अधिक होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब डब्ल्यू अपान पी, डब्ल्यू अपान पी का मतलब हुआ दोस्त कि जो आपका वेट है और जो आपने प्रयास किया उसका जो अनुपात होगा, एक भी आ सकता है, एक से कम भी आ सकता है और एक से अधिक भी आ सकता है। तो इनका कहने का मतलब कंडीशन ये है कि आपका जो आप जितना फोर्स लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, कम का मतलब यहां पर ये होगा जितना आपने प्रयास, इधर से आपने अगर कैंची को आपने प्रेस किया, आपने जितना इफर्ट लगाया, अगर आपको उतना ही आपको मिल जाता था, वर्क उतना ही हो जाता है उस पर, जो आपका भार है उतना हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डब्ल्यू अपान पी होगा, आपने जितना लगाया उसको आपको कार्य मिल जाता,
होता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा दोस्त, उस कंडीशन में तो आपका वन आएगा वैल्यू, क्या आएगा वन, अर्थात जितना आपने कोशिश किया कि इतना आपने जितना वर्क मतलब आपने जितना इफर्ट लगाया उतना आपको प्राप्त हुआ, तो उस कंडीशन में वन होगा। लेकिन अगर उससे आपका जितना आपने लगाया उससे कम आपका वहां पर वेट उठता है या वेट आगे जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी वन से कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने देखिए सिंपल सी बात है, आपने जितना लगाया अगर उससे ज्यादा आपको मिला तो उस कंडीशन में क्या होता है वन से ज्यादा होता है। तो वही चीज यहां पर कहा गया कि इकाई से कम या इकाई से अधिक भी हो सकती है, यहां पर क्लियर किया गया। तो दोस्त यहाँ पर आपका क्या हुआ कि फर्स्ट में आपका कंफर्म हो गया कि आपकी वैल्यू जो होगी मैकेनिकल एडवांटेज के फर्स्ट क्लास के जो आपका लीवर होगा उसमें वन भी हो सकती है, वन से बड़ा भी हो सकता है और वन से कम भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज। सेकंड आपका है यहाँ पर अगर बात करें द्वितीय श्रेणी की लीवर अर्थात क्लास सेकेंड लीवर, इस द्वितीय श्रेणी के लीवर में डब्ल्यू आलम्ब एफ और प्रयास पी के मध्य स्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा जो W आपका भार होगा वो F और P के मध्य स्थित होगा सेकंड क्लास में, ठीक है। तो इस कंडीशन में एग्जांपल आप एक याद रखें, वैसे तो यहाँ पर बहुत एग्जांपल है कि एक पहिए वाला ठेला, ठीक है, जैसे ये आपका है, या फिर आप समझ सकते हैं सरावता, जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, या भार उठाने की क्षण, जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल याद रखते हैं, आप सरावता फर्स्ट क्लास में आप कैंची को याद रखेंगे, ठीक है, और सेकेंड क्लास में एक एग्जांपल आप याद रखें कि सरावता होता है, चूंकि आप याद रखें मतलब एक चीज को एग्जांपल को मान के चलेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हम मान लेते हैं सरावता, तो इमेजिन करिए दोस्त सरावते का इस साइड में क्या है, हम जब इफर्ट लगाते हैं अर्थात इधर क्या हुआ आपका पी हो गया, ठीक है, और ये साइड में जो आपका कील लगा हुआ है ये आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ आलंब, जहां पर वो सपोर्ट कर रहा है वो क्या है, वो आपका आलंब है। तो आपका जहां पर आप प्रेस कर रहे हैं साइड में, जब आप सरोते को मान लीजिए सुपारी को काटते हैं तो किससे, सरोते से काटते हैं, तो आपका साइड में जो आप फोर्स लगाते आप पी इफर्ट करते हैं तो आपका होता है वहां पर पी, और साइड में जो कीली आप देख रहे हैं ये आपका आलंब होता है, और बीच में जो आपका कट रहा है वो आपका क्या हो रहा है, जो डब्ल्यू आपका भार है वो आपका जो कट रहा है सुपारी जो कट रही है वो आपका क्या हुआ वहां पर डब्ल्यू हुआ। तो बीच में क्या है दोस्त, डब्ल्यू क्या है दोस्त, डब्ल्यू अर्थात जिस चीज की आप बात करेंगे वहां पर, जैसे यहां पर ठेले के उठाने की बात की गई तो यहां पर क्या हुआ दोस्त, बीच में आपका क्या आ गया, बीच में आपका W भार आ गया, यहां पर आपने P इफर्ट लगाया, और ये कौन पहिया जो चल रही है वो क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये इफर्ट हो गया, इफर्ट नहीं दोस्त सपोर्ट हो गया, कौन सपोर्ट कर रहा है पहिया, पहिया के माध्यम, अर्थात यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पर आलंब F आ गया। तो आपने देखा एग्जांपल आपको एक याद रखना है, जैसे सरोते वाला कि इधर आप पी फर्ट लगाएंगे और इधर आपका क्या है ये आलंब हो जाएगा, जिसके माध्यम से ये चल रहा है वो सपोर्ट हुआ, और बीच में जो डब्ल्यू है अर्थात जिस भार को आपका यूज कर रहे हैं, जिसका भार आप उठाने का कोशिश कर रहे हैं या काटने को, यहाँ पर जैसे सुपारी को काटने की बात हमने एग्जांपल के तौर पर ली, तो यहाँ पर आपका होगा वो आपका क्या होगा वहाँ पर डब्ल्यू होगा एक। तो इस चीज़ को ऐसे आप याद रख सकते हैं, देखिए द्वितीय में आपका मैकेनिकल एडवांटेज इकाई से अधिक होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जितना आप इफर्ट लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर एडवांटेज मतलब इसका ज्यादा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है, मतलब यहां पर आपका एक से ज्यादा वैल्यू प्राप्त होती है, इधर से आप जितना प्रेस करते हैं उससे ज्यादा आपको वहां पर मिलता है, मतलब आप जितना करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो यहां पर होगा कि ग्रेटर देन वन होती है, जो डब्ल्यू अपान पी होता है मतलब पी आप क्या होगा वहां पर उस कंडीशन में पी जो आप लगाएंगे डब्ल्यू का मान आपका ज्यादा होगा तो वन का मान क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ज्यादा, ऊपर वाला आपका अंश का मान ज्यादा होता है तो ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल आप याद रखिए क्लास टू में आपका क्या होता है वेट आपका जो होता है बीच में होता है और एक साइड में आपका पी अर्थात इफर्ट होता है और एक साइड में आपका सपोर्ट हाँ आलंब साइड में होता है, तो डब्ल्यू में क्या होगा बीच में होगा। अब सेकंड आप चलते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर तृतीय श्रेणी लीवर अर्थात क्लास थर्ड लीवर, ये क्या होता है क्लास थर्ड लीवर में प्रयास पी और आलंब एफ और डब्ल्यू के मध्य स्थित होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, हम चाकू का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर और भी एग्जांपल लिया गया है, पैरदान लिया गया है, चिमटी लिया गया है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं चाकू। इसमें क्या है दोस्त कि आप यहाँ पर समझिएगा चाकू का जो लास्ट छोर है वो आपका क्या होगा वो डब्ल्यू अर्थात ये जो है कि आप भार जो है आपका वो चाकू का लास्ट यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर पी क्या हुआ यहाँ पर सपोर्ट का कार्य कर रहा है प्रयास का, प्रयास जो आप इफर्ट लगा रहे हैं और जो यहाँ पर आपका ये पॉइंट्स होगा यहाँ क्या होगा ये जो इसका होगा वो आपका क्या होगा वो आपका आलंब अर्थात सपोर्ट होगा। बात इतना से है दोस्त ये आप जहां से पकड़ रहे हैं वहां से आपका क्या होगा वहां से आप क्या कर रहे हैं प्रयास लगा रहे हैं और बीच में आपका यहां पर क्या होगा ये आपका आलंब हो गया और साइड में आपका क्या होगा भार हो गया। तो इस कंडीशन में आपका जो प्रयास होता है पी
प्रयास जो पी होगा वो एफ और डब्ल्यू के मध्य स्थित होता है। याद करने का तीनों का यही तरीका है कि एक को आप क्या करिए, कोशिश करिए कि एक को आप मान के चलिए कि तीन में एक आपका बीच में आता है, दो आपके साइड होंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट आपका रूल ये है, फर्स्ट कंडीशन में दोस्त क्या था कि आपका बीच में यहां पर क्या होता है, बीच में आपका यहां पर एफ होता है, अर्थात यहां पर आलंब होता है। जैसे यहां पर आपसे कहा गया कि जो आपका आलंब होता है फर्स्ट क्लास में बीच में होता है, और सेकंड क्लास में बीच में कौन होता है, बीच में आपका दोस्त कौन होता है, डब्ल्यू अर्थात भार होता है, और थर्ड में आपका जो होता है वो बीच में प्रयास। सभी में अलग अलग होंगे, बीच में एक को कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में दोस्त आपका पी जो आपका प्रयास होगा वो एफ और डब्ल्यू के मध्य होता है। अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, एक से कम होता है, अर्थात जितना आप लगाएंगे उससे कम आपको, अर्थात जितना आप इफर्ट करेंगे उससे कम आपको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्त, जैसे आप सोच सकते हैं कि चाकू है जिसके माध्यम से आप कोई कार्य करते हैं, काटने का या कोई माध्यम करते हैं, तो चाकू से आप जितना फोर्स लगाते हैं या इफर्ट करते हैं उससे कम आपको मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ज्यादा, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं दोस्त, सरौता से अगर आप सुपारी को काटते हैं तो वहां पर कम इफर्ट काम करेगा, अर्थात थोड़ा सा आप लगाएंगे वो कट जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप चाकू से काटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका लेस देन क्या होता है, वन होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है जो आप कर रहे हैं मैकेनिकली यांत्रिकी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या आपको लाभ हानि हो रही है, वही चीज आपसे कहा जाता है। अगर वन से कम है तो वहां पर आपका मैकेनिकल एडवांटेज नहीं हो रहा है। तो यहां पर दोस्त क्या होता है, कभी कभी उन्होंने कहा कि यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक लीवर का भी प्रयोग किया जाता है। उसके लिए दोस्त आता है कंपाउंड लीवर। हमने आपको बताया दो प्रकार के लीवर का यूज किया जाता है, एक आपका सिंपल होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। तो सिंपल ये जो हमने आपको बताया ये सभी सिंपल थे, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट बताएंगे कंपाउंड, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताएंगे कि ये जो आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है, इसको जान लीजिए। देखिए हमने ये फिगर के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर दोस्त आपको बीच में ये आपको क्या दिख रहा है, एफ, और ये आपको पी और ये आपको डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी का मतलब आपका क्या हुआ दोस्त, इफर्ट, आप जो प्रयास लगा रहे हैं, और लास्ट में आपको डब्ल्यू है। हम प्रथम श्रेणी को आपको अभी हमने जो बताया उसी को मैं फिगर के माध्यम से आपको यहां पर दिखा रहा हूं। इसको समझिए कि ये आपकी क्या है, ये क्षण है, और बीच में ये आलंब है जिसके माध्यम से सपोर्ट के माध्यम से रुका हुआ है, और साइड में यहां पर क्या है, ये आपका पी मतलब इफर्ट आप लगा रहे हैं, और ये आपका डब्ल्यू, इधर से आप इफर्ट कर रहे हैं और भार ये डब्ल्यू है। और जब एफ पी और डब्ल्यू के मध्य आपका एफ अर्थात आलंब हो तो वो आपका फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, फर्स्ट श्रेणी। ये आपकी प्रयास भुजा हुई चूंकि इधर से आप प्रयास कर रहे हैं, और ये आपकी भार भुजा हुई चूंकि इधर आपका भार हुआ है, तो भार इधर लटका हुआ है इसलिए आपकी भार भुजा हुई। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर हमने आपको क्या बताया, कैंची, चूंकि कैंची का बीच में आप ध्यान से देखेंगे कैंची के बीच में आपका आलंब होता है, और एक साइड से इफर्ट लगाते हैं, एक साइड आपका उसका भार होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। सेकेंड आपको हमने ये बताया द्वितीय श्रेणी में, ये आपको द्वितीय श्रेणी में क्या हुआ दोस्त, बीच में आपका भार आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपका सरौता बताया, सरौते में बीच में सुपारी आया तो वो आपका भार हुआ, और साइड से आपने क्या लगाया, वहां पर इफर्ट आपने लगाया, और साइड में आपने इफर्ट लगाया, और यहां पर आपने इफर्ट जब लगाया बीच में आपका भार, और साइड में क्या होता है, साइड में आपका होता है आलंब जिसे आप बोलते हैं सपोर्ट। तो सरौते में आपने देखा कि साइड में जो कीली थी जिसके माध्यम से वो चल रहा था, अगर उस कीली को निकाल दें तो सरौता आपका खराब हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किसके माध्यम से वो चल रहा है, वो आलंब जो कील है साइड में, तो इसलिए आलंब साइड में होता है। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया ग्रेटर देन वन, या यहां पर हमने ये भी बताया आपका एक से अधिक या एक से कम, ये भी हमने आपको बताया, नहीं सेकंड कंडीशन में आपकी जो होती है वो हरदम ग्रेटर देन वन होती है, फर्स्ट में आपका एक या एक से कम या एक के बराबर हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका नेक्स्ट आपका आता है थर्ड में, हमने ये बताया कि उस कंडीशन में आपका जो फोर्स होगा और डब्ल्यू होगा उनके दोनों के बीच में आपका आता है पी, पी बोले तो आपका इफर्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका बीच में आता है पी इफर्ट, तो यहां पर आपको जो ये प्राप्त होगा, देखिए एक कंडीशन ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें प्रयास भुजा ये है, भार भुजा ये है, और इसमें आप देखेंगे भार भुजा ये है, प्रयास भुजा ये है, ठीक है। बात इतनी सी है, आप समझ सकते हैं दोस्त कि ये आपका क्या हुआ, यहां पर आप प्रयास लगा रहे हैं, इस साइड में आप प्रयास यहां पर पी लगा रहे हैं, और यहां पर क्या है, ये आपका आलंब है। ये आप ध्यान दीजिए, जब आप प्रयास लगा रहे हैं तो ये आपके आलंब से दूरी ली जाती है, इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा, जो आपकी दूरी ली जाएगी वो सदैव आपके आलंब से ली जाएगी, बेस कौन होगा, आपके आलंब। तो इसीलिए आप जब यहां पर से पी से लगाएंगे तो ये आलंब
आरंभ से दूरी लेकर आपके प्रयास की जहां से आप लगा रहे हैं वो आपकी प्रयास भुजा होगी, और फिर जो आपकी भार भुजा होगी वो वहां आपका भार है और जो आपका आलंब है वो जो दूरी होगी आपकी भार भुजा होगी। इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दोस्त, जैसे ये थर्ड में था, इसमें आपसे कहेंगे कि भार भुजा और प्रयास भुजा कौन है, तो आप सिंपल कुछ मत सोचिए, आप आलंब देखिए कहां है। तो आलंब आपका ये है जिसे आप सपोर्ट बोलते हैं, उसको देखेंगे, और ये आपका क्या है, ये प्रयास पी है, ठीक है, आपका प्रयास क्या है, पी है। तो यहां से और उस आलंब के बीच की दूरी क्या होगी, वो प्रयास भुजा होगी। और इसमें हम पूछे भार भुजा कहां है, तो आप भार भुजा क्या बताएंगे, डब्ल्यू से आलंब की बीच की दूरी भार भुजा। कभी ऐसी गलती आप नहीं करिएगा कि भार से जो प्रयास की बीच की दूरी की भार भुजा होगी, ऐसा आप कभी नहीं सोचिएगा कि बीच से आपको लेना होता है, क्योंकि हम ये इतना दूरी को हम भार भुजा कहेंगे, कभी नहीं, ये गलत है। आपको जो लेंगे वो आलंब से ही, आपको सपोर्ट से ही दूरी लेना है। ओके, आशा करते हैं ये चीज आप समझ गए हमारी बातों को। देखिए दोस्त, अब आपको हम ये बताते हैं कि जो लीवर का सिद्धांत है, लीवर का सिद्धांत यही थे कि आपका जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका जो मोमेंट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, प्रयास एक्स पर प्रयास भुजा, ठीक है, प्रयास इंटू एक्स प्रयास की भुजा इक्वल टू भार इंटू भार भुजा। आपको एक साइड का इधर का देखना है और इधर साइड का देखना है। तो सिंपल हम यहां पर ले लेते हैं, जैसे पी इंटू एसी का मतलब यहां पर है पी इंटू एसी, ये पी आपका प्रयास है, एसी क्या हुआ दोस्त, यहां से यहां तक जो दूरी है ये सी है और ये ए है, तो ये क्या है, आपकी प्रयास भुजा हो गई। और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपको दोस्त, यहां पर क्या हुआ, ये आपकी भार भुजा हुई, अर्थात यहां से यहां दूरी खींचेंगे आप पर भार भुजा। कैसे, चूंकि ये बी से सी जो आपका है यहां पर भार है, और ये आलंब की जो दूरी होती है वो भार की भार भुजा कहलाएगी। तो सिंपली आप देख सकते हैं दोनों को इक्वल दिखाना है दोनों साइड में, अर्थात आलंब के इस साइड और आलंब के उस साइड, तो पी इंटू ए सी हो जाएगा और भार इंटू बी सी हो जाएगा। तो सिंपली ए सी अपान बी सी इक्वल टू, ये पी नीचे जाएगा तो डब्ल्यू अपान पी हो जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या हुआ दोस्त, ये जो AC अपान BC आपने निकाला यही आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और ये प्रयास भुजा बटे भार भुजा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, ये समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां पर आपको ये लग रहा है कि ये ऊपर आपका यहां पर प्रयास लिखा है और इसमें नीचे यहां पर प्रयास लिखा है, इसमें भार नीचे है इसमें भार ऊपर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भुजा लिखा है, भुजे का मतलब दोस्त, यहां पर अगर हम बात समझे, प्रयास भुजा, देखिए प्रयास भुजा कौन सी है, ये आपकी प्रयास भुजा है, और इसमें आपका यहां पर क्या है, P है, और इधर आपका क्या है, ये भार भुजा है, और इधर आपका क्या है, W है। तो ध्यान रखिएगा, जब भार भुजा बटे यहां पर जैसे कहा गया कि आपका प्रयास भुजा बटे भार भुजा, तो प्रयास जो आप कहेंगे तो उस कंडीशन में आपको W ऊपर होता है, और जब भार भुजा कहेंगे तो आपका क्या होगा, P ऊपर होगा। तो यही चीज आप याद रखिएगा कि इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है आपका, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मतलब दोस्त यहां पर आप AC अपान BC देख रहे हैं, AC बटे BC, AC का मतलब यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं AC क्या है, AC यहां से यहां तक दूरी आपकी प्रयास भुजा है, इसलिए प्रयास को ऊपर लिखा गया, बटे BC मतलब भार भुजा। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका जब यहां पर ऐसे आपके त्रिज्या गुणा होगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आपका जो ये जो आपका प्रयास भुजा बटे भार भुजा है वो दोनों बराबर, अर्थात डब्ल्यू बराबर पी के बराबर है। हमने इसी को AC अपान BC को मैकेनिकल एडवांटेज लिखा है, और इसी को हमने प्रयास भुजा बटे भार भुजा लिखा है, और इसी को हम लिख सकते हैं W अपान P जो लिखा है उसको हमने लिखा भार बटे प्रयास। आशा करते हैं ये चीज आप समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस चीज को आपको याद हो गया दोस्त, मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, अगर आपसे सिंपल पूछे तो भार बटे प्रयास होता है, और अगर आपसे भुजा में पूछे तो प्रयास भुजा बटे भार भुजा होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताना है कि किसी प्रयास भुजा बटे भार भुजा का अनुपात अगर आप भुजा में बताते हैं, आर्म में बताते हैं, तो आप बताएं इफर्ट आर्म बटे आपका वेट आर्म जो होगा रेशियो, वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। अब एक हम आपको ये बताते हैं कि आपका जो होता है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। मैं आप सभी के लिए लगातार दोस्त ये अब वीडियो बनाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं वीडियो आप सभी के लिए रेगुलर प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन होना बेहद जरूरी है दोस्त। मोटिवेशन तभी मिल पाएगा जब आप सभी का सपोर्ट मिलेगा लगातार। कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन अगला है कि संयुक्त लीवर और आपका सिंपल या सरल लीवर किसे कहते हैं या क्या होता है। तो देखिए, सरल लीवर की बात करें तो
सरल लीवर में एक दृढ़ और सीधी वक्राकार छड़ है जो स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। अभी तक जो हमने आपको बताया पूरा डिटेल्स, वो सिंपल लीवर सरल लीवर था। उसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, जो आपका आलंब होता है उस पॉइंट पर फिक्स होता है और दोनों इफर्ट और वेट आपके कार्य करते हैं, ठीक है, वो आपका सिंपल होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया कि लीवर का प्रयोग कोई बल या प्रयास लगाकर किसी बोझ या प्रतिरोध को सराहने में या सपोर्ट करने में यूज किया जाता है, जो अभी हमने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। वही चीज यहाँ बताया गया कि लीवर लाभ आपका क्या होता है कि प्रयास भुजा का भार भुजा से अनुपात लीवर लाभ कहलाता है, अर्थात जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो हम आपको बता देते, प्रयास भुजा बटे आपकी भार भुजा अर्थात इफर्ट आर्म बटे आपका वेट आर्म, इसका जो रेशियो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज या लीवर लाभ ये कहलाता है। आप फिगर देख सकते हैं जो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि आपका इधर क्या है, ये W है, इधर आपका P प्रयास है, ठीक है, ये बीच में आपका यहाँ पर आलंब है, ये आपका सिंपल लीवर, इस तो ध्यान दीजिएगा सिंपल लीवर में ये फर्स्ट वाला लिया गया है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का। तो यहाँ पर ये W है, ये P है और बीच में आपका आलंब है, तो इसमें क्या है, ये बोझ भुजा अर्थात यहाँ पर भार भुजा है, ये प्रयास भुजा है, तो प्रयास भुजा बटे भार भुजा आपका क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो सिंपल आप देख सकते हैं वही चीज अभी हमने जो अभी किया, P into AC equal to WBC, अर्थात P into AC मतलब आपको दोस्त क्या हुआ, P into AC ये दूरी, ठीक है, equal to किया हमने, और फिर W into BC अर्थात W into ये दूरी आपकी जो हो गई, ये into BC हो गई, W into BC, तो आपका आ जाता है AC upon BC equal to W upon P। ये जो आपका होता है ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज का है या लीवर एडवांटेज का है, ये आपका दोस्त होता है W upon P, ये आपका सिंपल लीवर के लिए होता है। लेकिन संयुक्त लीवर का फायदा क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए संयुक्त लीवर या कंपाउंड लीवर कहते हैं जब यहां पर आपको आवश्यकता पड़ती है बहुत से अधिक की, मतलब आपको कम इफर्ट में ज्यादा आपको जरूरत पड़े तो वहां पर आपको संयुक्त का यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि लीवर लाभ को बढ़ाने के लिए यौगिक लीवर का अर्थात कंपाउंड लीवर का यूज किया जाता है। इनमें दो या दो से अधिक लीवर छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इन लीवरों का प्रयोग अर्थात इन जो आपके लीवर्स होते हैं इनका यूज अनेक मशीनों और यंत्रावली से अधिक लीवर लाभ अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज को ज्यादा प्राप्त करने के लिए कंपाउंड लीवर का यूज किया जाता है, जिससे कम बल लगाकर अधिक प्रतिरोध नियंत्रित अर्थात अधिक वेट को नियंत्रित किया जा सके। तो बात सिंपल सी हुई दोस्त कि जो कंपाउंड लीवर होता है वो आपके सिंपल लीवर से ज्यादा बेस्ट होता है, किसके, मैकेनिकल एडवांटेज के तौर पर, क्योंकि ये आप कम बल लगाकर ज्यादा प्रतिरोध या ज्यादा वेट को यहां पर नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा आप फिगर भी देख सकते हैं इसमें होता क्या है, इस यौगिक का लीवर लाभ इक्वल टू पहले लीवर का लीवर लाभ इक्वल इनटू दूसरे लीवर का लीवर लाभ, अर्थात कंपाउंड का मतलब इसमें एक दो तीन बहुत से आप लीवर्स का यूज अर्थात यहां पर छड़ का यूज करके यहां पर इसके लीवर लाभ को अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे जो आप लीवर लाभ निकालेंगे तो पहले लीवर का लीवर यहां पर निकालेंगे लाभ इनटू करेंगे, पहले का आप निकाल लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, उसके बाद दूसरे का लीवर लाभ जिसे आप कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार तीसरे चौथे पचे जितने आप यूज करेंगे उसके आप करेंगे। जैसे यहां पर देख सकते हैं एक यहां पर आलंब है अर्थात यहां पर दो आप देख सकते हैं, एक ये यूज किया गया है, एक नीचे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको दोनों को यहां पर इसके माध्यम से जोड़ दिया गया है। बात यहां पर है कितने लीवर का यूज किया गया है, यहां पर दो लीवर का यूज किया गया है, एक यहां पर ये आलंब यहां पर है, ठीक है, यहां पर एक इफर्ट पी लगाया जा रहा है और एक यहां पर दोस्त आप देख सकते हैं एक यहां पर क्या है, ये साइड में आप देख रहे हैं आलंब है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर यहां पर क्या किया जा रहा है, दो, जब यहां पर दो एग्जाम्पल लिया गया है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा लीवर जहां पर एक से अधिक लीवर का यूज किया जाता है वो कंपाउंड लीवर कहलाता है। कंपाउंड लीवर का लोग इसलिए करते हैं, इसका यूज इसलिए करते हैं जिससे मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाया जा सके अर्थात कम बल को लगाकर अधिक वेट को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज होती है और कंपाउंड लीवर आपका सिंपल लीवर से बेस्ट होता है, किसके तौर पर, मैकेनिकल एडवांटेज के तौर पर, इससे कम बल लगाकर आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ये डिटेल्स में आपको सभी पॉइंट्स बताया, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आपको जितना कोशिश किया, मैंने पूरी कोशिश की आपको अपने शब्दों में आपको समझाने की, ठीक है। आप कोशिश करें, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने बुक से या किसी माध्यम से आप पढ़ने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से हो जाए। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये कभी नहीं भूलेगा, अर्थात आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। आपको अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं खासतौर आप, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप के जरिए सभी दोस्तों को शेयर करिए,
जिससे मैकेनिकल या सिविल के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और जैसा हमने बताया कि आपको टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया हमें, तो सिंपल करेंट स्टडी सर्च करें, लेकिन करेंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस न छोड़ें, अर्थात STU के बाद आप, जैसे हमारे चैनल का नाम है करेंट स्टडी, तो इसके बाद आपको STUDY लिखना है, अर्थात दोनों के बीच स्पेस बिल्कुल नहीं रखना है, एक साथ सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिस प्रकार इसका लोगो है यूट्यूब का, उसी प्रकार वहां पर टेलीग्राम पर मिले, उसको ज्वाइन कर ले। मैं यही चाहता हूं कि आपको वीडियो मिल सके, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाते, वीडियो आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।